अस्सलाम वालेकुम। आज हम चाइना ग्रास का हलवा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए ये मैं पैकेट ली हूँ, ये आधा लीटर दूध बस होता है उसको। ये मैंने उसको पानी में आधा गिलास, इतना आधा गिलास पानी में भिगते रखी थी। 15-20 मिनट हो चुके हैं, इसको अच्छे से भीग चुका है। ऐसा अच्छे से भीगेगा ना तो फिर उसके अंदर छितड़े अंदर नीचे बैठते नहीं और फिर वो कड़क जैसा होता नहीं है, इसलिए ऐसे उसको भिगा के अच्छे से लेने का। और कैसा अभी अभी वो ऐसा पिघल रहा है, देखो 15-20 मिनट अच्छे से उसको भिगा के लेने का, पहले ही भिगते डालने का पकाने से पहले। अभी इसको मैं शक्कर में पका के लूँगी। ये मैंने शक्कर ली हूँ, 1 कप शक्कर है आधा लीटर को, और ये पिस्ता है और बादाम है, और ये केसर का पत्तियाँ ली हूँ, इलायची है, और ये ऑरेंज कलर है और एक ग्रीन कलर है, इसमें मैं बनाऊंगी। और आधा लीटर दूध है, मैं अभी बनाती हूँ इसको, पकने को रखेंगे। दूध मैंने पका के ली हूँ, इसको पका के लेंगे अच्छे से। ऐसा पक चुका है, मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, और मैं वहाँ बारीक आँच पे दूध गरम करी थी, अभी फिर से वापस मैं पकने को रखी हूँ। जितना दूध गाढ़ा अच्छा पकेगा तो उसको गाढ़ापन आके बहुत टेस्टी होता है दूध। इसको मैं बारीक इस पर फिर से शक्कर डाल रही हूँ ना, इसको बारीक कर रही हूँ। ये गाढ़ापन आ गया है, शक्कर इसमें पिघल चुकी है, देखो कैसा हो गया अच्छे से, इसमें बिल्कुल उसमें छितड़े नहीं दिखते उसके। तो एक एक ऐसे ही हम जल्दी से डालेंगे ना, कच्चा का कच्चा, उसको मेन भिगते रखना अच्छा है। मैं भी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालती हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा कलर तो मेरे को ऊपर से सजाने के लिए चाहिए। ये अच्छा पक चुका है, मैं ये अभी दूध में मिक्स करूँगी। मैं गैस बंद कर रही हूँ, फिर चालू करके बताती हूँ आपको वापस से। मैं गैस बंद कर चुकी हूँ, फिर इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ, तो क्या होता है दूध फट भी जाता है ना इसके वजह से। हमेशा दूध नीचे उतार उतार के ही मिक्स करेंगे, फिर मंगता तो एक उसको अच्छा सा कर्ण निकाल के लेंगे, नहीं तो दूध फट जाता है। थोड़ा सा पका के लेंगे उसको अच्छे से, मैंने मिक्स कर चुकी हूँ उसको। मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, कोई कोई ऊपर से भी डालते, मैं अंदर जरा पकने से वो टेस्ट अच्छा आता है ना, इसके लिए मैं पका के ही लेती हूँ उसको, इलायची पाउडर को उसके अंदर दूध में। इसको पकते रखेंगे, ये ठंडा हो चुका है, मैं इसको ऐसे 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 छोटे छोटे के भी ऐसे ही करूंगी, बारीक बारीक ऐसे पीस करेंगे उसके, और उसके ऊपर सजाएंगे। मैंने ये इसका बैटर इसमें होती हूँ, ये मैं अभी ऊपर से इसको ऐसे ऐसे डालती हूँ, ये ऊपर आ जाते हैं, इधर ठंडे भी होने चाहिए उसको। ग्रीन वाला डालूंगी थोड़ा सा, इसे सब डालते जा रहे हैं उसमें।
अंदर जा रहे हैं। अच्छे लगते हैं इसमें खाने के लिए। ठंडा हुआ ना, मैं तो अंदर ही चले जाते हैं ऊपर ऊपर। थोड़ी देर से डालती हूँ ठंडा होने के बाद। बादाम और पिस्ता डालती हूँ थोड़ा सा। सजाएंगे उसको अच्छे से। पत्तियां भी डालेंगे केसर के से कैसे। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं अभी थोड़ी देर से सर्व करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।